राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बाबूसा का नाम सुर्खियों में है। राजेंद्र राठौड़ को माना जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी सीट से नरेंद्र बुड़ानिया के नाम पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ 6 महीनों में ही दोनों नेता फिर होंगे आमने सामने। विधानसभा चुनाव में चूरू से नरेंद्र बुड़ानिया ने हरा दिया था राजेंद्र राठौड़ को। इसके बाद कस्बा परिवार के खिलाफ दिखाई दिया था गुस्सा। कहा जा रहा था कि राठौड़ को हराने में कस्बा परिवार ने भूमिका निभाई। आपको बता दें कि वर्तमान में चूरू से सांसद है राहुल कस्बा। कस्बा 2 बार से लोकसभा सांसद है। इस बार टिकट पर संकट है। ऐसे में अगर राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला फिर से रोचक होगा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बाबूसा का नाम सुर्खियों में है। राजेंद्र राठौड़ को माना जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी सीट से नरेंद्र बुड़ानिया के नाम पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ 6 महीनों में ही दोनों नेता फिर होंगे आमने सामने। विधानसभा चुनाव में चूरू से नरेंद्र बुड़ानिया ने हरा दिया था राजेंद्र राठौड़ को। इसके बाद कस्बा परिवार के खिलाफ दिखाई दिया था गुस्सा। कहा जा रहा था कि राठौड़ को हराने में कस्बा परिवार ने भूमिका निभाई। आपको बता दें कि वर्तमान में चूरू से सांसद है राहुल कस्बा। कस्बा 2 बार से लोकसभा सांसद है। इस बार टिकट पर संकट है। ऐसे में अगर राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला फिर से रोचक होगा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बाबूसा का नाम सुर्खियों में है। राजेंद्र राठौड़ को माना जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी सीट से नरेंद्र बुड़ानिया के नाम पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ 6 महीनों में ही दोनों नेता फिर होंगे आमने सामने। विधानसभा चुनाव में चूरू से नरेंद्र बुड़ानिया ने हरा दिया था राजेंद्र राठौड़ को। इसके बाद कस्बा परिवार के खिलाफ दिखाई दिया था गुस्सा। कहा जा रहा था कि राठौड़ को हराने में कस्बा परिवार ने भूमिका निभाई। आपको बता दें कि वर्तमान में चूरू से सांसद है राहुल कस्बा। कस्बा 2 बार से लोकसभा सांसद है। इस बार टिकट पर संकट है। ऐसे में अगर राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला फिर से रोचक होगा।